जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे नेट के एग्जाम के बारे में कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं, इस एग्जाम को पास करने के बाद में क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं नेट के एग्जाम के बारे में। साथियों, यदि सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करें तो नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से कराया जाता है, यानी कि यूजीसी की तरफ से कराया जाता है। उन्होंने एक बॉडी बनाई हुई है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करें इसको कौन कौन दे सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है एग्जाम को देने के लिए। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो, यानी कि आपने अपनी मास्टर डिग्री की हुई हो। मास्टर डिग्री में भी दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना अनिवार्य है, यानी कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं। यानी कि जैसे आपने बीए हिंदी से किया है तो आपके उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपने बीए हिंदी से किया है तो आप जो नेट का एग्जाम देंगे वो हिंदी सब्जेक्ट से ही देंगे। यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसी सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, अपना यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे। आपने पीजी में फिर चाहे कुछ भी कंप्लीट किया हुआ है, चाहे आपने एमए, एमओ, एमकॉम, एमएससी, कोई भी आपने अपना सब्जेक्ट से कंप्लीट किया हुआ है तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम देने के क्या बेनिफिट हैं, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट साथियों, यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए आप उसमें एलिजिबल हो गए। आपकी जहां पर भी वैकेंसी है तो वहां पर आप पढ़ा सकते हैं यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, यानी कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा आपकी रैंक उसमें रहती है, तो उसमें फिर आपको मिलता है जेआरएफ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से फिर आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अमाउंट मिलता है, यूजीसी की तरफ से एक अमाउंट आपको मिलता है पर मंथ, जिसके लिए आपको रिसर्च के लिए, यानी कि जिससे आप पीएचडी अपना कंप्लीट कर सकें। तो यानी कि आपका पीएचडी एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि हो सकता है यदि आपका अच्छा स्कोर हुआ है तो उसमें आपको कोई अमाउंट लगे ही ना पीएचडी करने में। तो यानी कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि यदि आपने अपना पीजी कंप्लीट कर लिया है तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम अवश्य दें। तो आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।